नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी भाई तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के शिव प्रसाद जी जाट समाज से भी हमारे बीच मौजूद है। शिव प्रसाद जी, चूरू जिले में दिन रात आप लगे हुए हैं इस कोरोना महामारी के अंदर। आप कोरोना योद्धा के रूप में उभरे हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं। आप हमारे मित्रों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी नमस्कार साथियों, मैं सभी मेरे मित्रों को पूरे चुरू जिले के और पूरे राजस्थान के मेरे युवा साथियों और मेरे मित्रों और मेरे भाई बहनों को यही बताना चाहता हूँ कि ये कोविड-19 एक बहुत बड़ी महामारी बन के उभरी है। चाहे वो पूरे हमारे राज्य में हो, चाहे पूरे देश में हो, चाहे पूरे विश्व में हो, और इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल जो है ना फिजिकल दूरी अपन बनाए रखें, और जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार ने नियम और आदेश जारी किए हैं उनका हम अच्छे से पालना करें, और जो भारत सरकार ने बताया है कि आरोग्य सेतु ऐप वो हमारे मोबाइल में हम डाउनलोड करके रखें ताकि उससे भी हमें कोई मदद मिल सके। एक शिव प्रसाद जी, आप इंसानों के साथ साथ पशुओं की भी आप देखभाल कर रहे हैं। आपके काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मैं आप पशुओं को भी चारा वगैरह सब्जियां वगैरह आप वितरण करने कर रहे हैं। आगे का आपका क्या प्रोग्राम है? देखो, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ सभी को कि इंसानों की तो सेवा में सभी लगे हैं, तो मैं सभी साथियों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इंसानों के साथ साथ जो बेजुबान पशु पक्षी है उनकी भी सेवा का ख्याल रखें। थोड़ी बहुत जितनी भी आपसे मदद हो सके उनकी भी मदद करें, ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है और पुण्य का काम है। और हमारा आगे का है कि हम जितनी हमारी ग्रुप से हमारी गरीबों की और बेसहारा पशु पक्षियों की मदद होगी हम उतनी मदद करेंगे, और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा इस देश में हम उतनी तब तक हम पूरे जो भी गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, पशु पक्षी हैं, बेसहारा, उनकी हम सेवा में तत्पर है और हमेशा सेवा करेंगे। अरविंद जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ये लॉकडाउन की स्थिति है और करीब 30,000 के आसपास पेशेंट अभी भी पॉजिटिव है, क्या लगता है शिव जी, कोविड-19 देश से भगेगा, यहाँ से देश कोरोना मुक्त होगा? देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ये नहीं बोल सकते कि कोविड-19 देश से ख़त्म हो जाएगी ये बीमारी, क्योंकि पीछे भी ऐसी बहुत सी बीमारी आई है। लेकिन मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी निर्देश और आदेश भारत सरकार और राज्य सरकार ने जारी कर रखे हैं उनके नियमों की आप पालना करें, कोविड-19 को हम तभी हरा पाएंगे। और ये बीमारी कभी हमारे देश से और विश्व से जाए मैं इसका नहीं बोल सकता, लेकिन जब इसकी वैक्सीन बनेगी, सबसे बड़ा इसका इलाज, इसकी वैक्सीन जल्दी से जल्दी तैयार होना जरूरी है। देश के प्रधान सेवक ने साइंटिस्टों से अपील भी की है कि इसकी वैक्सीन तैयार करें, भारत के साइंटिस्ट आगे आएं, और वो काम भी जारी है। अगर लॉकडाउन की स्थिति अभी जैसे 3 मई तक की है, आगे बढ़ता है तो किस प्रकार से, क्योंकि सब कुछ ठप है, अभी कारोबार ठप है, लोग घरों में बैठे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग भी बाहर नहीं निकल पा रहे, तो किस प्रकार से लॉकडाउन से संघर्ष के लिए क्या भारत तैयार है? देखो, भारत सरकार और पूरे जो भी राज्य की सरकारें हैं वो अपने अपने अपनी अपनी रणनीति में रणनीति बना रही है, और भारत सरकार और सभी राज्य की सरकारें हैं वो आपस में बातचीत चल रही है सभी के बीच में। और मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए, और लॉकडाउन अपन बढ़ाएंगे तो इस महामारी को जीतने में हमें फ़ायदा मिलेगा। और साथ में यही अपील करना चाहता हूं भारत सरकार और राज्य सरकार से कि जो भी दिहाड़ी मजदूर है और जो भी कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं खेती जो किसान करते हैं, उनको इस चीज के लिए छूट मिलनी चाहिए, और सभी को फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, और इस हिसाब से आदेश जारी करें ताकि लोगों का काम भी चल सके और साथ में लॉकडाउन भी चल सके और लोग इसकी अच्छे से पालना कर सके। छात्रों के प्रतिनिधि है, युवाओं का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, क्या रहा लॉकडाउन में युवाओं का इस बार? देखो, इस लॉकडाउन में पूरे देश और पूरे प्रदेश के युवा है जो अपने अपने स्तर पे सभी जरूरतमंद लोगों की, पशु पक्षियों की सेवा में लगे हैं। कोई युवा है जो छात्र रसोई के रूप में, कोई युवा है जो सब्जियां बांट रहे हैं, कोई युवा किट बांट रहे हैं, कोई युवा जो डॉक्टर्स है, जो कोरोना योद्धा है, पुलिस प्रशासन है, उनकी मदद में लगे हैं। इस देश का और इस राज्य का पूरा जो भी युवा है वो अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद करने में और कोरोना योद्धाओं की मदद करने में जुटे हुए हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी तरफ से, और उनसे विनती और निवेदन करता हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन चले सभी युवा लोग, मेरे युवा साथी, छात्र छात्राएं अपने स्तर पे इस देश के जरूरतमंद लोगों की और कोरोना योद्धाओं की मदद करें।
ज्यादा से ज्यादा आपने समय दिया हमारे चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।